बिहिया चौरास्ता के दोघरा में आगामी 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक ब्रह्मलीन श्री देवराहा बाबा जी महाराज की 34वीं पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले श्री विष्णु महायज्ञ की तैयारी जोरों पर। परम पूज्य तिरकालदर्शी संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज के सानिध्य में बिहिया चौरास्ता के दोघरा में आगामी 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक ब्रह्मलीन श्री देवराहा बाबा जी महाराज की 34वीं पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले श्री विष्णु महायज्ञ की तैयारी जोरों पर। संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज ने कहा कि इस श्री विष्णु महायज्ञ में लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, इसके लिए सभी तरह की तैयारियाँ की जा रही है। संत श्री ने कहा कि बाबा हर धर्म और संप्रदाय के ऊपर थे। संत श्री ने आगे कहा कि इस बार देवराहा की पुण्यतिथि पर होने वाले श्री विष्णु महायज्ञ ऐतिहासिक होगा। इस महायज्ञ में लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। वहीं इस दौरान लोजपा रामविलास जिलाध्यक्ष और श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति के सुरक्षा प्रमुख राजेश्वर पासवान, रामदास जी भीखम यादव, राम भरोसा मिंटू सिंह, विनय कुमार, देवलाल यादव, मोहन कुमार, ध्रुव कुमार सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। देखिए, ये जग हमारे गुरु जी देवराहा बाबा के पुण्यतिथि पर हो रहा है। 34वां जग है। जब से गए धरा धाम से, तब से हम ये जग कर रहा है, उनके पुण्यतिथि पर यज्ञ कर रहा। तो यज्ञ बराबर जिसे आषाढ़ी में पड़ता है, गर्मी से तलखता है लोग, लेकिन यज्ञ है। जब वो चले गए तो वही डेट रखा है, उस डेट पर थोड़ा गर्मी होता है, लेकिन बड़े उल्लास से लोग करता है। बहुत लोग आते हैं मधेपुरा से, खगड़िया से, उत्तर बिहार से, बागेश्वर से, जौनपुर से और वृंदावन से। बड़ी लोग आते हैं जिसमें बहुत बड़ा खर्च होता है ना। अब हम क्या कहें, बहुत बड़ा खर्च होता है। हजारों लोगों के आने की संभावना है। हजारों नहीं, लाखों लोगों। तो इतना यहाँ पर सुविधा होगा? देखिए, सुविधा है। जो जाए जग होने लगेगा ना, तो रूम बना है, भोजन का रूम बना है ना। तो सब लोग देते हैं, बड़ी किया आते हैं लोग, हम लोग के यहाँ सबसे देश के लोग हैं। क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्था की जाए यहाँ पर? लगभग हम लोग 2-2.5 लाख लोग के रहने का जो है, रहने का, खाने पीने का, प्रसाद ग्रहण करने का, उठने का, बैठने का, अब देख रहे हैं वहाँ पे जो है। तो हम लोग लगातार जो है, हमारे कार्यकर्ता बंधु लगे हुए हैं दिन रात, कि जो भी लोग बाहर से भी आए तो उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और इस महायज्ञ में हमको लगता है कि 2.5 से 3 लाख तक लोग की हम लोग व्यवस्था किए हैं, लेकिन इसमें इनसे भी ज़्यादा मतलब कि श्रद्धालु भक्तों के पहुँचने की संभावना है। तो मतलब यज्ञ कमेटी के लोग पूरी तरह से तैयार हैं? हम लोग पूरी तरह से कमर कस के तैयार हैं कि जो श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आए, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उनके रहने का भी प्रबंध किया हम लोगों ने, उनके प्रसाद ग्रहण की व्यवस्था करने की भी प्रबंध किया है हमने। हर तरह से हम लोग जो है मतलब कि चुस्त दुरुस्त हैं, ताकि जो भी श्रद्धालु भक्त आए उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। तो इस महायज्ञ में प्रवचन वगैरह की भी? हाँ, इस महायज्ञ में 2 तारीख को जो है हम लोग हाथी घोड़े गाड़ी गाजा बाजा के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त जो है यहाँ से शोभा यात्रा निकालेंगे हम लोग। और इसके बाद जो है यह शोभा यात्रा ये यज्ञ स्थल से शुरू होकर के भिया चौरस्ता, धरहरा, डाकबंगला रोड से राजा बाजार, ब्लॉक रोड, सब्जी मंडी, दुर्गा स्थान, सब्जी मंडी, राजा बाजार, फिर डाकबंगला चौक पर आएगी। और डाकबंगला चौक पर महाआरती की व्यवस्था जो है की गई है, और फिर डाकबंगला रोड से पुनः जो है बिहिया चौरस्ता होते हुए यज्ञ स्थल पर शोभा यात्रा करके समापन होगा। सवाल है कि ये धीरे धीरे मौसम ही बदल रहा है, हो सकता है कि बारिश भी हो, संभावना जो है?
लोगों की रहने की व्यवस्था कहाँ होगी? देखिए उसके लिए हम लोग वाटर प्रूफ पंडाल वहाँ पे लगवा रहे हैं जी, ताकि श्रद्धालु भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।